उत्तर प्रदेश मतलब UFT, यूपी की खबरों का बादशाह, हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ UFT न्यूज 24 पर। नमस्कार, UFT न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। उपनगर अलीपुर खेड़ा में समाज द्वारा अलविदाई ताजियों का निकाला जुलूस। उपनगर अलीपुर खेड़ा में मुस्लिम समाज द्वारा अलविदाई ताजियों का जुलूस गमगीन माहौल में निकाला गया, जो विभिन्न इमामबाड़ों पर गश्त करता हुआ देर शाम करबला पहुंचा, जहां फातेह खाने के बाद ताजियों को सुपुर्दे खाक किया गया। जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था हेतु इलाके की पुलिस के साथ कोतवाली पुलिस बल भी चाक चौबंद रही। अलीपुर खेड़ा में मुहर्रम माह के 40 दिन बाद चेहल्लुम के ताजियों का अलविदाई जुलूस इमामबाड़ा कौवाटोला से शुरू होकर नई बस्ती, काजी मोहल्ला, बड़ा बाजार, मोहल्ला मीरधा होता हुआ इमामबाड़ा आ पहुंचा। इस बीच इमाम हुसैन के चाहने वालों ने जगह जगह लंगर बंटवाया, पुलाव, बिस्कुट, जलेबी, वस्त्र, बर्तन आदि की लुटास की। बता दें कि जुलूस के आगे मिलन बैंड, भारत बैंड, सोनी बैंड आदि अपनी मातमी ध्वनि बजाकर लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहे। जुलूस में युवाओं द्वारा अखाड़ा खेलकर हैरतअंगेज किया गया। बुजुर्ग युवा ताजियों के आगे मरसिये पढ़ते चल रहे थे। ताजिया कमेटी द्वारा अखाड़ा खलीफा, ताजियादार तथा सम्मानित लोगों को पगड़ी बांध कर सम्मानित किया गया। सुरक्षा व्यवस्था हेतु उपजिलाधिकारी भुवांस PC, आर्य पुलिस क्षेत्राधिकारी भुवांस प्रियंका जैन, कोतवाली प्रभारी SS पिलवान, अलीपुर खेड़ा चौकी प्रभारी सत्येंद्र शर्मा पुलिस बल के साथ चाक चौबंद रहे। राजस्व विभाग से कानूनगो देव कुमार शर्मा तथा लेखपाल मोती सिंह भी मौजूद रहे। जुलूस में इस बार भी हिंदू मुस्लिम भाइयों की एकता की मिसाल कायम देखी गई। जुलूस देर शाम बाईपास रोड ईदगाह स्थित समीप करबला पहुंचा, जहां फातेह खाने के बाद ताजियों को सुपुर्दे खाक किया गया। जुलूस का संचालन ताजियेदार नईम खान ने किया। जुलूस में राजदूत विलाल इलाही, आरिफ खां, वशारत खां, हाजी अशफाक, हाजी इरशाद, ग्यास खां, अलाउद्दीन मंसूरी, सद्दाम मंसूरी, रजाक खान, अयास खान, अकील मंसूरी, इम्तियाज मंसूरी, पप्पू मंसूरी, जलालुद्दीन मंसूरी, कासिम खां, मुसब्बर उर्फ पोला खां, हिना विसारी उर्फ रामकली, हनीफ खां, गफूर खां, तजमू कश्यप, चांद मियां तथा शिव चरण राजपूत आदि का सराहनीय योगदान रहा। मैनपुरी से अवनीश की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। UFT न्यूज 24 जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश मतलब UFT, यूपी की खबरों का बादशाह, हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ UFT न्यूज 24 पर।